और सीधा आपको लिए चलते हैं यूपी के मुजफ्फरनगर में, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जनता को संबोधित कर रहे हैं। यहां से काशी का तालाब जानी चाहिए, 300 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने का संकल्प जगना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष जी विजय कुमार शुक्ला जी, भाई सत्येंद्र सिसोदिया जी, यहाँ के लोकप्रिय नेता और मेरे मित्र केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश के सरकार के कैबिनेट मंत्री, और जिन्होंने एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इमारत को एक एक ईंट रखकर गढ़ने का काम किया है, ऐसे हमारे भूपेंद्र चौधरी जी, सदर के विधायक और भावी विधायक कपिल देव अग्रवाल जी, हमारे डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, बुढ़ाना के प्रत्याशी भाई उमेश मनी जी, खटोली के प्रत्याशी श्रीमान विक्रम सैनी जी, पुरका जी के विधायक और प्रत्याशी प्रमोद उपवाल जी, चरखावल के प्रत्याशी श्रीमती स्वप्ना कश्यप जी, मीरापुर के प्रत्याशी श्री प्रशांत गुर्जर जी, हमारे पूर्व सांसद यहीं के नेता भाई सोहनवीर सिंह जी, श्रीमती अंजू अग्रवाल अध्यक्षा नगर पालिका परिषद, श्री सतपाल जी, और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। भाई वो कोनों में जरा बोलना बंद कर दो आप, सर या तो आप मंच पर आकर बोलो। मित्रों आज चलो हो गया, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, अरे आप भी बैठ जाओ। मित्रों आज ये सेट करके बैठ जाओ, टीवी वाले सेट करके नीचे बैठ जाइए, आप सारे लोग नीचे बैठ जाइए ना प्लीज। बहुत समय के बाद मुजफ्फरनगर आया हूं, सबके चेहरे दिखाई पड़ेगा। मित्रों बहुत समय के बाद मुजफ्फरनगर की एक वीर भूमि पर मैं आया हूं। यहां आकर सबसे पहले महर्षि सुखदेव जी और राजा परीक्षित की ये भूमि को प्रणाम करकर मैं मेरी बात की शुरुआत करता। स्वतंत्रता संग्राम में दूधली गांव के क्रांतिकारियों ने जो इतिहास यहां पर रचा है उसको भी स्मरणांजलि देकर मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आजादी का बिगल फूंकने वाले आसाराम शर्मा जी को और यहां से ही पूरे देश के किसानों को किसान हित के लिए जागरूक करने वाले चौधरी चरण सिंह को भी मैं नमन करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों यही भूमि है जिन्होंने किसानों के लिए सदैव आवाज बुलंद की, श्री महेंद्र सिंह टिकेट को भी मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों आज मैं मुजफ्फरनगर आया हूं, तब 14, 17 और 19 तीनों चुनाव मेरे नजर के सामने से गुजर। मैं जब प्रभारी बना उत्तर प्रदेश का, शुरू में ही दंगे हो गए। मैं यहां आया, मैंने दंगों की वेदना को जाना था, पहचाना था, आरोप करने वाले पीड़ित बन गए और पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया। खैर मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आज भी
दंगों की वो पीड़ा को भूला नहीं। फिर भी 14, 17 और 19 को जब भी यहां भारतीय जनता पार्टी आई, जब भी मैं आया, जब भी मोदी जी आए, आपने भाजपा की झोली को वोटों से भरकर यहां से थमा दिया। यही मुजफ्फरनगर है जिसने 2017 में, 2014 में और 2019 भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड विजय की नींव डालने का काम किया। यही से लहर उठती है जो काशी तक जाती है और हमारे विरोधियों का चुपड़ा साफ करती है। इस बार भी मुझे भरोसा है कि यहां से ही भारतीय जनता पार्टी के विजय की नींव डाली जाए। मित्रों, उत्तर प्रदेश में 12-13 में मैं जब घूमता था, ऐसे ही मंच पर कार्यकर्ता बैठे होते थे और कहते थे, अमित भाई आपकी सिक्योरिटी का क्या हाल है? यहां पर हर व्यक्ति को सिक्योरिटी की चिंता होती है। जिस प्रकार से सपा बसपा बसपा सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था, गैंगे बन गई थी और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का बोलबाला, भू माफिया हो और अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहां पर अपना कब्जा जमाया था। और आज जब मैं आया हूं, कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर चले गए।